देखिए मैं बना दिया हूँ, तो इधर से इधर तक मैं गैप बना दिया हूँ। गैप बनाने की वजह क्या होता है, इसमें अंदर मेटल जाएगा फंस जाता है, इसको अगर सफाई नहीं कीजिएगा तो बिल्डर का रूट बराबर नहीं चलता है, रूट में जल जल के वो एक्सरे भी पास नहीं होता है। इसको देखिए मैं कैसे सफाई कर रहा हूँ। गैस इस तरह अपना गैस चेक कर सकते हैं आप, गैस आ रहा है नहीं आ रहा है, या ऐसा मार के हवा भी चेक करते हैं ऐसा करके। गैस यही जो है पोजीशन जो आपका बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, जो इस तरह करके खड़ा होकर मारना पड़ता है आपको। तो गैस अभी हम 80 पर यहाँ से मार रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा पावर बढ़ा लेंगे, क्योंकि थोड़ा पावर बढ़ाएंगे तभी माल अंदर जा सकता है। तो हम पावर 95 करेंगे और पोजीशन ऐसा बनाएंगे, थोक से हमारा सामने होना चाहिए। गाइस अभी हमने यहाँ तक रूट मार दिया है, नीचे से उठा करके यहाँ तक आ गया है। अब हम दूसरे साइड का भी रूट मारेंगे, क्योंकि आगे चल के सट ना जाए। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक रूट मार दिया है, अब हम नेक्स्ट साइड मारेंगे, इसलिए क्योंकि आगे चल के गैस हमारा ना सट जाए, ऊपर हमारा गैप सट ना जाए, इसलिए हम मारेंगे। ओके गाइस, तो कितने लोग मारते हैं आगे सट जाता है तो दिक्कत होता है। इसे पेंटिनेशन बोलते हैं, जो अंदर का हमारा ये रूट है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है कि पूरा गैप हमारा सट गया था, और मैंने फाड़ा है, फाड़ करके मारा है दोनों साइड में। तो आप दोनों साइड में इसे रोकते हुए जाएंगे अच्छे से मारते हुए, तो आपका इस तरह पेंटिनेशन अंदर में रूट आएगा। गाइस लेखो पिजन क्या होता है कि साइड में मेल्ड नहीं होता है, इस साइड होता है ना, इस साइड में मेल्ड नहीं होता है, तो उसे लेखो पिजन भी बोलते हैं। और रूट शॉर्टेज क्या होता है कि गाइस रूट आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर रूट आपका बराबर नहीं आएगा, तो रूट शॉर्टेज बोलते हैं। ये आप हॉट पास में आ रहेंगे तो हॉट पास में अगर पावर आपने ज़्यादा ले लिया तो रूट शॉर्ट हो जाता है। तो गाइस तो इस तरह आप मारिएगा, और कभी भी ध्यान रहिएगा दोनों एज बराबर चलेंगे, तो इस तरह साइड में कहीं कट नहीं आना चाहिए। जैसे देख लीजिए मेरे पास कहीं कट, मेरे रूट और पेंटिनेशन में कहीं भी कट और साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जब भी मारेंगे तो दोनों साइड को बराबर अच्छा तरह से मारेंगे, तो इस तरह आएगा। कहते हैं कि हमने अंदर से पेंटिनेशन कितना अच्छा सा और कितना क्वालिटी से मारा है, ये हमारा अंदर से पेंटिनेशन हमने मारा है। आप जब मारेंगे तो पेंटिनेशन आपका गोल्डन कलर के आएगा, और जब हॉट पास मारेंगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो आप जब भी मारिए पेंटिनेशन तो आप अपना पावर जो है 90 लीजिए, 85 लीजिए, अच्छा तरह से आएगा। 70S2 का फिलर, SCS का मेटल है। तो हमने मारा है, देख सकते हैं किस तरह हमारा पेंटिनेशन बराबर आया है। और हम अपना 5 नंबर यानी 5 नंबर 6 नंबर सामी कप लगा सकते हैं, और रूट हम मारेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कहीं लेखो फ्यूजन ना आ जाए, कहीं रूट शॉर्टेज ना हो जाए, और मारेंगे तो अंदर में कलर आपका चेंज हो जाता है, इसे पेंटिनेशन बोलते हैं। ओके गाइस, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।